अयोध्या में जगतगुरु परमहंस आचार्य का समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं परमहंस के समर्थन में 25 जनपदों से शिक्षक पहुंचे और सबने मिलकर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर एक घंटे तक परमहंस के समर्थन में सत्याग्रह किया। ये जो हमने घोषणा किया है कि अगर 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो मैं जल समाधि ले लूंगा, तो उसमें इन लोगों को बड़ा कष्ट हुआ है। और लगभग इन लोगों ने घोषणा किया है कि 1000 अध्यापक जिस दिन मैं जल समाधि ले लूँगा तो हमारे समर्थन में लखनऊ विधानसभा के सामने आत्मदाह करेंगे। तो मैंने इनको समझाया कि वो स्थिति नहीं आएगी। और साथ ही साथ में कुछ है, शिक्षक ऐसे हैं एढ़ाक में से कि जो 20 सालों से कार्यरत हैं और उनको जो है तो शायद है कि कोई दिक्कत आ रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जो शिक्षक 20 साल से जो है बच्चों के भविष्य को संभाल रहे हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूँगा। और जितने भी हैं शिक्षक, चाहे वो डाक वाले हों चाहे कोई भी हों, अगर वो कार्यरत हैं तो उनका सम्मान बरकरार रहना चाहिए। शिक्षकों ने कहा कि जगतगुरु परमहंस आचार्य की मांग देशहित में, राष्ट्रहित में केंद्र सरकार भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित करे। उन्होंने कहा कि परमहंस आचार्य के साथ देश के सभी शिक्षक मौजूद हैं। इस अवसर पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर एक घंटे तक परमहंस के समर्थन में सत्याग्रह किया गया। वहीं जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, नहीं तो जल समाधि लेने के बाद 100 करोड़ हिंदू रोड पर उतर जाएंगे। देश को विभाजन से बचाने के लिए एक यही विकल्प है कि अति शीघ्र हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। परमहंस ने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो लखनऊ विधानसभा के समक्ष हजारों शिक्षक आत्मदाह करेंगे।